नवंबर में एग्जिट एग्जाम की घोषणा करके पूरे माहौल को गर्म करके रखा है, और वहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने एक और बम फोड़ दिया, और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट है उनके जले पे नमक छिड़कने का काम हुआ है। अब ऐसा क्यों है इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 2 से 3 मिनट में मैं अपनी बात रख देता हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूनिवर्सिटी को खोलने की अनुमति देने वाली संस्था जिसे यूजीसी कहा जाता है, उसके उनके चेयरमैन ने, जिनका नाम रजनीश जी है, पूरा नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, उन्होंने गैजेट के माध्यम से और पब्लिक नोटिस के माध्यम से ये घोषणा की है कि जो डिग्री वाले स्टूडेंट हैं यानी कि बी फार्मा, वे ओपन लर्निंग कर सकते हैं, ओपन स्कूलिंग कर सकते हैं, और उनकी जो सर्टिफिकेट की मान्यता होगी वो जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके जैसी ही होगी, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जो मान्यता रेगुलर क्लास वाले स्टूडेंट को मिलती है वो ओपन स्कूलिंग यानी कि जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी मान्यता वही होगी। अब इससे क्या साबित हो रहा है कि जो बी फार्मा स्टूडेंट है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, उनका एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, तो जो यूनिवर्सिटी में डिग्री कोर्सेस होंगे जिसमें बी फार्मा भी शामिल है, इस नियम के तहत वे घर बैठे अपना डिग्री का कोर्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ नॉन अटेंडिंग जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मान्यता भी यूजीसी ने दे दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पीसीआई जो है लगातार परेशान थी नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट से, और लगातार ये सवाल डी फार्मा कॉलेज पे उठ रहे थे कि 90% बच्चे जो होते हैं डी फार्मा में वो नॉन अटेंडिंग होते हैं, वे क्लास नहीं करते हैं, और जिसके लिए पीसीआई हर साल इंस्पेक्शन करती है और स्टूडेंट नहीं पाए जाते हैं। मजबूरी में आकर के पीसीआई को एग्जिट एग्ज़ाम का कदम उठाना पड़ा ताकि स्टूडेंट कॉलेज आए और डी फार्मा की क्वालिटी में सुधार हो सके। लेकिन अब ये भेदभाव उत्पन्न हो जा रहा है कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार डिग्री वाले कॉलेज यानी बी फार्मा को फार्मेसी जो है वो घर बैठे कर पाएंगे, नॉन अटेंडिंग कर पाएंगे, ओपन स्कूलिंग से कर पाएंगे, ऑनलाइन क्लास से कर पाएंगे, वहीं डी फार्मा वाले बच्चे को भी ये सोच रहे हैं कि ये लोग को चाहे कितना भी पाबंदी लगा लो, कितना भी कड़ाई कर लो, कितना इंस्पेक्शन कर लो, ये भी कॉलेज आने वाले नहीं है, तो चलिए इनके लिए एग्जिट एग्ज़ाम ला दिया गया। अब एग्जिट एग्ज़ाम ला दिया गया इसीलिए लाया गया ताकि डी फार्मा का क्वालिटी इम्प्रूव हो। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों बी फार्मा को एग्जिट एग्जाम में शामिल नहीं किया गया और सिर्फ डी फार्मा को शामिल किया गया। इसके पीछे का कारण है कि डी फार्मा का वैल्यू बी फार्मा से कहीं ज़्यादा है। आप कोई भी जॉब नोटिफिकेशन सरकारी वाला उठा के देख लीजिए, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो या फिर कर्नाटका का हो, उसमें ये कहा गया है कि जो फार्मासिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वही बनेगा जिन्होंने डी फार्मा किया है। अगर आपने बी फार्मा किया है या एम फार्मा किया है उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए डी फार्मा पास होना ज़रूरी है, और इसीलिए पीसीआई ने इसके पीछे पड़ी है और एग्जिट एग्ज़ाम लागू किया है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने का मतलब है जिम्मेदारी के साथ काम करना और नॉलेज के साथ काम करना, और नॉलेज तभी आएगा जब बच्चे पढ़ाई करेंगे, और इसीलिए डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम जो है नवंबर में लागू किया जा रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ परेशानी ये है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, आप इसे 20 सेशन से लागू ना करें, और ये ज़रूर रुकेगा आपके कारण। आप लेटर लिखिए, क्योंकि करीब 800 के करीब लेटर पहुंच चुके हैं, और कोई भी एप्लीकेशन जो सामूहिक रूप से किया जाता है वो तभी उस पर सरकार एक्शन लेती है जब उसकी संख्या 1000 या उससे ज़्यादा हो। इसीलिए जिन्होंने अभी तक लेटर नहीं लिखा है डी फार्मा को नए सेशन से करवाने के लिए, आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग एक कागज़ और पेन का इस्तेमाल करके सरकार को लेटर लिखें और उनसे अनुरोध करें कि एग्जिट एग्ज़ाम जो है न्यू सेशन से लागू किया जाए, 20 सेशन से लागू ना किया जाए, ताकि हम बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।